मैंने पूछा है कि ये जो बैग्स और ये जो टंगे हुए कपड़े इनके प्राइस अलग है, उन्होंने बोला सारा डिस्काउंट का कुछ भी उठा लो, किलो में कुछ भी उठा लो, किलो वेट करो और उठा लो। जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता ही होगा कि दिल्ली में जनपद मार्केट है या फिर सरोजनी नगर मार्केट है, वहाँ पे किस तरीके से सस्ता सस्ता माल मिलता है। और लड़कियाँ स्पेशली कई बार सरोजनी जाती है शॉपिंग करने के लिए। जो कॉलेज में होते हैं स्टूडेंट्स, जो लोग होते हैं वो ज्यादा जाते हैं इस तरह की जगहों पे। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लंदन में ऐसे आप कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं सस्ते सस्ते में। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कहते हैं थ्रिफ्ट शॉपिंग। और आज हम जाने वाले हैं थ्रिफ्ट स्टोर, यानी कि इसको चैरिटी स्टोर भी कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली चैरिटी या डोनेशंस के लिए बनाया जाता है। जो भी वहाँ की सेल होती है वो डोनेट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस को। तो यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक नया थ्रिफ्ट स्टोर खुला है, तो आज हम देखेंगे वहाँ जाके कितने में क्या माल मिलता है, क्या इंडिया से भी सस्ता मिलता है, क्या जनपद वाला माल है क्या। बिल्कुल हाँ, हमें क्यूरियोसिटी है क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जाते हुए देखा है और थैले भर भर के लाते हुए देखा है ऊपर अपनी बालकनी से। तो हमें लगा कि हम भी जाके देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे है क्या और क्या मतलब प्राइसेस हैं, क्या मिल रहा है एक्चुअली, और आपको भी दिखाते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no. 10 pound किलो के भाव यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं। उधर से है रास्ता शायद। कहाँ है, उस साइड है क्या? हाँ, तो वेयर हाउस है पूरा ये। अच्छा, वेयर हाउस के अंदर मतलब बना रखा है इन्होंने। चलो चले फिर। चलो। No man, I still go, 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 go. तो ये जैसे ब्रांडेड भी यहाँ पे लगा हुआ है और अलग अलग आप देख ही सकते हो, कंडीशन तो ठीक ही लग रही है इनकी। टी-शर्ट भी है, वही ब्रांडेड लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉन ब्रांडेड मिक्स ही है। मतलब ये जैकेट्स लगे हैं, ठीक ही लग रहे हैं देखने में तो। तो ये तो कुछ इसे बाहर लगे हुए हैं, बाकी अंदर काफ़ी बड़ा है। काइंड ऑफ उन्होंने एक वेयर हाउस टाइप में अपना पूरा सेटअप कर रखा है। और यहाँ पे फ्री कॉफ़ी भी मिल रही है, तो अगर थक जो शॉपिंग करते हो तो कॉफ़ी पी सकते हो। माइक्रोवेव, ये देखो नेक्स्ट का लगा हुआ है, 65 pound लिखा हुआ है इसके ऊपर। H&M वगैरह के भी हैं इसमें। स्केट्स अच्छे लग रहे हैं ये, स्केट्स भी मिल रहे हैं, थोड़े से यूज्ड हैं यहाँ से खराब से, बट ठीक है जितने चलाने होते हैं उस हिसाब से। दुनिया भर के शूज रखे हैं और आगे भी हैं, ऊपर बैग्स भी पड़े हुए हैं। एक टैग भी लगा हुआ है किसी किसी बैग में। ये टैग कैसे लगा हुआ है जी किसी किसी उसमें? कई मिल जाते होंगे ना पुराने अनयूज्ड वाले, मतलब कुछ ऐसा भी मेरे को लग रहा है कि अगर जैसे बिक नहीं रहे या कुछ, हाँ वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ज्ञान को शांत रखने के लिए स्नैक्स खिलाना पड़ेगा। H&M, New Look, Next, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे दिख रहे हैं अभी तक तो। देखो, तो ऑफिस ऑफिस जाने वालों के लिए भी है यहाँ पे। तो ये 6 pound लिखा है लेकिन है तो ये किलो के उसमें ही आएगा ना। हाँ, ये सब किलो ट्राउजर है, मतलब सही है। ऐसे कोई डिफेक्टिव आइटम नहीं लग रही इनमें कि मतलब बीच बीच में हो सकता हो कोई, बट जितना हाथ में आ रहे हैं नहीं है, वही है कि मतलब वो बस यही है कि या तो यूज्ड है या फिर वो है कि जो कि एंड माल टाइप की। हाँ, जो बिक नहीं रहा जो स्टोर में पड़ा पड़ा खरा, मतलब पुराना। हाँ हाँ, अब यहाँ पे तो मतलब उसमें विंटेज शॉपिंग भी बोलते हैं इस चीज़ को, कि हाँ किसी को विंटेज शॉपिंग का शौक है तो इस तरह के थ्रिफ्ट स्टोर्स में आ सकता है। लंदन में ऐसे अराउंड बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं, तो अगर आपको उस तरह की शॉपिंग का शौक है तो आप वो ये सब ट्राई कर सकते हैं थ्रिफ्ट स्टोर्स में जाके, जिनको चैरिटी स्टोर्स भी बोलते हैं। तो ये पड़े हैं मेन तो यहाँ पर। अब इस ढेर में से पसंद करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या है। ये जैसे कि ड्रेस पड़ी हुई है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यू कैन सी दिस जैकेट एज वेल, जैकेट्स वगैरह भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, जैकेट्स और कोट्स भी काफ़ी हैं यहाँ पर। सब मेहनत करने में लगे हुए हैं, अपना ढूंढ रहे हैं कि क्या मिल सकता है यहाँ पे। ये देखिए, ये कोट है, तो वही जिसे कहते हैं पटरी मार्केट इंडिया में, स्ट्रीट मार्केट, ये वही है उसी की तरीके से। कोई कोई तो बिल्कुल नई पड़ी हुई है विद टैग, वही है कि वो या तो बिक नहीं रही होगी या कुछ भी, जो भी रीज़न है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेकंड हैंड है, न्यू क्लोथिंग भी बहुत पड़ी हुई है।
छोटे बच्चों के भी हैं इसमें, कम है लेकिन है कुछ कुछ। प्राइमार्क की जैकेट्स लगी हुई हैं। सही है, मतलब ये चीजें जो लगी हुई हैं सारी। हाँ मतलब साबुत सब तो सही है, मतलब कईयों के तो बिल्कुल टैग्स हैं न्यू लगे हुए हैं जिसे कहते हैं। तो वही है कि जैसे कि न्यू कलेक्शन आता रहता है तो फिर ओल्ड कलेक्शन हो गया तो अपना उसको चैरिटी शॉप्स में भेज दो, तो उस तरीके का भी काफ़ी कलेक्शन है यहाँ पे। ये बूट्स भी हैं। With the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. अब मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे नहीं है इतने लोग या नहीं आते, हम बता सकते हैं कि हमने बालकनी से अपनी बहुत बार देखा है लोगों को यहाँ पे शॉपिंग करते हुए, और अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि मतलब जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली कि इस डे में जो अपना पूरी मेहनत से लगे हुए हैं सब सेलेक्ट करने के लिए। But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put... Yeah, my shorts are bad, let's take it. But that's it, it's so much, here's one piece. That's it, this is the spot. So we are going to see these things when you are shopping here. So there's no defect in it. वो चीज़ें देखने वाली हैं। कोई कोई चीज़ तो बिल्कुल ही नई टैग के साथ है, लेकिन कोई कोई चीज़ है जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ माइनर मेजर मिल सकता है, तो जस्ट बी केयरफुल एंड वो सारा देख के। वही है स्टाइल बिल्कुल जैसे इंडिया में आप पटरी पे जाकर शॉपिंग करते हो या स्ट्रीट पे जाकर शॉपिंग करते हो, तो जितना आप वहाँ पर देखते हो अच्छे से वही यहाँ पर देखना। तो जैसे सामने वेइंग मशीन लगी हुई है, एक अंदर भी लगी हुई थी वेइंग मशीन, उस पर आप कपड़े डाल के या जो भी सामान लेना है वो डाल के देख सकते हो कि उसका कितना वेट है। तो भाई जान यहाँ जो भी सामान लगा हुआ है तो मतलब आपको 10 किलो लेना ही लेना मिनिमम, ऐसा है क्या? एक किलो से कम से भी ले सकते हैं। अच्छा, उस कम से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक पीस लेना, दो पीस लेना, यानी बस 5 किलो लेना, 10 किलो लेना, आपकी मर्जी है। बाकी है सारे वो किलो वाला हिसाब, किलो के हिसाब से चाहे जो लगे हुए हैं। हाफ के जी लेना है तो हाफ के जी के पैसे होंगे। अच्छा, जितने ग्राम होंगे उसके हिसाब से पैसे होंगे। अच्छा, देखो ये गैप का भी लगा हुआ है। सब ब्रांड इसमें है, न्यू वन और सारे इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें नए क्लोथ्स भी हैं कि मतलब जैसे किसी किसी पे टैग लगा हुआ है? सब पे लगे हैं, काफी ज्यादा इसमें 40-50% इसमें टैग लगे हैं। अच्छा अच्छा, तो सीधा स्टोर वाला ही है वो? तो वो क्या है कि मतलब आप बिक नहीं रहे होते इसलिए आ जाते हैं क्या? जी ऐसे ही है, निकाल देते हैं वो, रिस्ट यानी कि कर देते हैं, निकाल देते हैं, कहते हैं यानी क्लीयरेंस निकाल देते हैं। क्लीयरेंस, हां हां ठीक है थैंक यू। तो इसके दो फायदे हैं चैरिटी शॉपिंग के, एक तो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे ये हेल्प करता है, और सेकंडली ये शायद इसके कुछ गुड कॉज के लिए भी यूज़ होता है। गुड ऑन योर पॉकेट तो है ही, बट ये गुड कॉज के लिए भी यूज़ होता है कि ये वाली मनी आई थिंक किसी कॉज में यूज़ होगी, है ना? जो कि अच्छी चीज़ है, एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी यहाँ पे अभी जस्ट मूव ही हुए हैं और यहाँ के खर्चे एकदम से आते ही ज्यादा लगते नहीं हैं। झेल पाते हैं। हाँ, तो उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शन है ये। तो अगर किसी को इसका एड्रेस चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। है ये अभी 1.5 महीना और चलेगा इस। हाँ, क्योंकि ये है कि यहाँ पे 50% जो क्लोथिंग है वो टैग्स वाली है, न्यू क्लोथिंग है जैसे अभी आपको बताया वीडियो में। तो होपफुली आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट अलग लगाओ, कुछ वीडियो देख के मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगाओ कि लंदन में भी ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे इस तरीके की शॉपिंग की जा सकती है सस्ते में। हाँ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज क्लिक द थैंक्स बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपसे अपने ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Never slow yourself down, you can do some more.